हेलो फ्रेंड्स, तो फाइनली यहाँ पर विंडो 11 का स्टेबल वर्जन लॉन्च हो चुका है। इसको कैसे इंस्टॉल करना है अपने सिस्टम में, इसके साथ साथ इसके ड्राइवर्स को कैसे अपडेट करना है, ये सारा कुछ हम देखने वाले हैं इस वीडियो पे। तो वीडियो पे लास्ट तक बने रहना, बिना स्किप करें यहाँ पर वीडियो को पूरा देखना और स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना, तो आप भी यहाँ पर विंडो 11 को बिना किसी प्रॉब्लम के इंस्टॉल कर पाओगे। तो चलो गाइस शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर विंडो 11 का जो सिस्टम रिक्वायरमेंट है उसको चेक करने के लिए PCLZ सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर डाउनलोड कर लेना, मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया है, वहाँ से आप डाउनलोड करके यहाँ पर चेक कर लेना अपने सिस्टम रिक्वायरमेंट को। यदि यहाँ पर ये सपोर्ट करता है आपका सिस्टम, तो आपको ये जो मैं स्टेप बता रहा हूँ उसको फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्ट ऑफिशियल तरीके से सेटिंग पे जाना, सिस्टम एंड सिक्योरिटी अपडेट एंड सिक्योरिटी वाले ऑप्शन पे जाना, वहाँ से विंडो अपडेट वाले ऑप्शन में डायरेक्ट आप अपडेट कर लेना विंडो 11 को। और यदि आपका यहाँ पर एरर शो हो रहा है, तो आपको जो स्टेप मैं आप बताने वाला हूँ उसको फॉलो करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर विंडो 11 की ISO फाइल लगी है, तो आपको डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पर मैं डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक दे दिया, वहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पर आके सेलेक्ट कर लेना विंडो 11, यहाँ पर डाउनलोड पे क्लिक करना। यहाँ पर आपको लैंग्वेज पूछेगा, तो लैंग्वेज आप यहाँ पर इंग्लिश सेलेक्ट कर लेना और यहाँ पर कंफर्म कर लेना। ठीक है, मेरा एरर शो होगा यहाँ पर, ये देखो एरर शो हो रहा है मेरा भी, क्योंकि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है। आप डाउनलोड करोगे तो आपको यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया, यहाँ से आप डायरेक्ट आके यहाँ से डाउनलोड कर लेना। और मैंने ऑलरेडी यहाँ पर डाउनलोड करके रखा हूँ, ये देखो। तो यहाँ पर इस प्रकार से शो होगा ये ISO फाइल। ठीक है, ये 5.1 GB की फाइल है, आपको 5.1 GB यहाँ पर डाटा लगेगा डाउनलोड करने के लिए, तो आप डाउनलोड कर लेना ये। आप डाउनलोड करने के बाद इसको इस प्रकार से ISO फाइल दिखेगी, इसको एक्सट्रैक्ट करना है। अब तो एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपको यहाँ पे विंड्रॉवर सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसका भी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, या फिर आप किसी भी सॉफ्टवेयर से इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हो एक फोल्डर में। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे विंडो 11 का एक फोल्डर बनाया था, इसमें इसमें एक्सट्रैक्ट करके रख लिया हूँ। तो आप भी इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना एक फोल्डर में, और इस प्रकार का एक फोल्डर यहाँ पे इसमें फोल्डर्स और फाइल्स आएगी। ठीक है, यहाँ सेटअप वाला एक सेटअप भी मिलेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार से इसके एक्सट्रैक्ट करने के बाद इस यहाँ पर फाइल दिखेगी आपको। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सोर्सेज वाले फोल्डर पे जाना है। ठीक है, यहाँ पर आपको एक फाइल दिखेगी .dll। ठीक है, fraser.dll वाली, तो इस फाइल को यहाँ पर रिप्लेस करना है हमें। तो मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक दे दूंगा, आपको जो फाइल से आपको रिप्लेस करना है। तो यहाँ पर .dll वाली फाइल मैंने यहाँ पर बनाया हूँ, तो इसको यहाँ पर fraser.dll फाइल से रिप्लेस कर लेना है। ठीक है, इसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया हूँ, तो यहाँ पर इसको भी आप डाउनलोड कर लेना और इसको रिप्लेस कर लेना। इसको कॉपी करना है आपको। कॉपी करने के बाद यहाँ पर फिर से हम जाएंगे इसी पे, और यहाँ पर सोर्सेज वाले पे जाएंगे, और यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो पेस्ट करेंगे तो यहाँ पर रिप्लेस वाला ऑप्शन आएगा, तो रिप्लेस हमको कर देना है। रिप्लेस करने के बाद हम यहाँ पर वापस इसको क्लोज कर देते हैं, एक बार रिप्लेस करते हैं, और फिर से यहाँ पे विंडो 11 वाले फोल्डर पे जाके यहाँ पे सेटअप पे जाएंगे आप, और सेटअप पे जाके हम डायरेक्ट यहाँ पर यस कर देंगे। तो यस करने पर हमको यहाँ पर विंडो ऐसा इस प्रकार से इंस्टॉलिंग का बताएगा। तो यहाँ पर प्रिपेयरिंग होने के बाद इस प्रकार से यहाँ पर शो होगा, आप यहाँ पे नेक्स्ट नेक्स्ट करके इसको इंस्टॉलिंग स्टार्ट कर देना। आपको एग्रीमेंट वाला आएगा, तो वहाँ पर टिक करके एक्सेप्ट कर लेना, और यहाँ पर नेक्स्ट नेक्स्ट इंस्टॉलिंग स्टार्ट हो जाएगी अपनी। मैंने ऑलरेडी यहाँ पर इंस्टॉल कर लिया हूँ, तो इसलिए मैं आपको बताऊँगा नहीं पूरा, आपको ये इसका आगे का आपको स्वयं ही करना है। ठीक है, बस इसमें कुछ नहीं करना, आपको नेक्स्ट नेक्स्ट करना है, आपको कोई ज़्यादा कुछ वो नहीं करना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इंस्टॉल कर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के, आपको किसी प्रकार का वो एरर शो नहीं होगा। तो यहाँ पर आप हम क्लोज कर देते हैं, क्लोज कर देता हूँ मैं। अब यहाँ पर आपको बताता हूँ आप ड्राइवर कैसे अपडेट करना है। आपको ड्राइवर अपडेट करने के लिए आपको यहाँ पर सिंपली जाना है। जब आप इंस्टॉल कर लोगे, तो आप यहाँ पर इंस्टॉल करने के बाद सबसे पहले स्टार्ट मेन्यू पे जाना, स्टार्ट मेन्यू से यहाँ पर सेटिंग पे जाना। सेटिंग पे जाने के बाद यहाँ पर विंडो अपडेट पे जाना है। विंडो अपडेट में जाने के बाद यहाँ पर चेकिंग फॉर अपडेट यहाँ पर कर देना है। चेकिंग फॉर अपडेट जैसे करोगे, यहाँ पर आपके जितने भी ड्राइवर्स वगैरह है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर शो हो जाएगा, यहाँ पर अपडेट्स उसका शो होगा। तो यहाँ पर आप अपडेट स्टार्ट कर देना। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर ये दिखा रहा है, ये यहाँ पर ये डाउनलोडिंग एंड इंस्टॉलिंग। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर ये डाउनलोडिंग होना स्टार्ट हो जाएंगे जितने भी ड्राइवर्स वगैरह जो भी है सारा कुछ। तो इस प्रकार से आप अपडेट कर सकते हो ड्राइवर्स वगैरह बिना किसी प्रॉब्लम के। तो गाइस वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो पे, नेक्स्ट टॉपिक पे। चलो गाइस, तब तक के लिए गुड बाय।